में 17 उपाध्यक्ष शामिल किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्यकारिणी में कौन कौन होगा इसको लेकर इंतजार लगातार चल रहा था और आप ये भी देख रहे थे कि जीतू पटवारी रोज बयान दे रहे थे कि आज 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 ऐसे करके वो रोज बोल रहे थे कि लिस्ट आ जाएगी, पर अब जाकर के लिस्ट आई है। एमपी कांग्रेस की नई टीम का ऐलान हो चुका है, हमारे साथ सहयोगी अशरफ काजमी जुड़ गए हैं। अशरफ, एमपी कांग्रेस की नई टीम का ऐलान हो चुका है, 17 नाम है, कौन कौन से मुख्य ऐसे नाम है? देखिए, इसमें जो 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, इसमें आरिफ मसूद हैं, हामिद काजी हैं, हिना कावरे हैं, जयवर्धन सिंह हैं, जुमा सोलंकी हैं, लखन गंगोटिया हैं, सचिन यादव हैं, फूल सिंह बैरैया हैं, प्रियव्रत सिंह हैं। ये बड़े नाम हैं, कुल 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 71 जनरल सेक्रेटरीज बनाए गए हैं, जिसमें अभय दुबे हैं, अभय तिवारी हैं, अमित शर्मा हैं, अनीस मामू हैं, अनुभा मुंजारे हैं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, अशोक मस्कोले हैं, आतिफ अकील हैं, अविनाश भार्गव हैं, बाबू जंदेल हैं। इस तरह मिलाकर करीब 71 महासचिव प्रदेश के वो बनाए गए हैं। इसके अलावा जो परमानेंट इन्वाइटी हैं वो और हैं, उसमें भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है नामों की, जिसमें आप सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं उसमें जो सबसे प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें जो प्रमुख नाम है उसमें कमलनाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वो हैं उमंग सिंह का जो नेता प्रतिपक्ष है उनका भी नाम है, कांति लाल भूरिया पूर्व अध्यक्ष वो भी शामिल है, अरुण यादव पूर्व अध्यक्ष वो भी है, गोविंद सिंह पूर्व मंत्री है नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं वो भी शामिल है, अजय सिंह राहुल भैया इनको भी जगह दी गई है, विवेक तनखा मीनाक्षी नटराजन कमलेश्वर पटेल ओंकार मरकाम सत्यनारायण पटेल नीलांशु चतुर्वेदी कुणाल चौधरी मनोज चौहान भूपेंद्र मारवाई ये सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो स्पेशल परमानेंट इन्वाइटी है उसमें करीब अशोक चतुर्वेदी हैं, अरुण श्रीवास्तव हैं, बालाराम बच्चन हैं, बालमुकुंद गौतम हैं, भूपेंद्र गुप्ता हैं, चौधरी राकेश सिंह हैं, दिलीप गुजर हैं, गंगा तिवारी हैं। कुल मिला के लिस्ट बहुत लंबी है और करीब 33 जो हैं ये एग्जीक्यूटिव परमानेंट इन्वाइटी हैं। इसके बाद स्पेशल इन्वाइटी की जो लिस्ट है वो भी एक लंबी चौड़ी है और स्पेशल इनवाइटीज में जो सबसे पहला नाम है वो अभय मिश्रा का है, अजय टंडन है, आलोक मिश्रा है, अश्वनी जोशी जोशी हैं, आसिफ जाकी हैं, आसिफ जाकी, अर्चना जायसवाल, अंजू बघेल। अशरफ, ये जब से जिम्मेदारी जीतू पटवारी को मिली है 10 महीने का वक्त लगभग हो चुका है और इतनी जंबो टीम बनाना आखिर क्या संकेत देता है? चूंकि इतने लंबे समय से टीम नहीं बन रही थी और इतने महीनों के बाद अब टीम बनी है तो शायद जो सुस्त कांग्रेस हो गई थी यहाँ पे छड़ गई थी, माने उसको रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, ये जो आप टीम बनाई और जितनी जंबो टीम है वो आप समझिए कि इसमें जो बुजुर्ग हैं उनका अनुभव है, जो बड़े नेता बुजुर्ग नेता है चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, वो उन सब का जो तजुर्बा है वो है और युवाओं को भी शामिल किया है, चाहे आप इसमें जयवर्धन सिंह को मान लें या सचिन यादव मान लें, तो दोनों का मिला जुला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी कमेटी जो इन्होंने अपनी बनाई है इसमें क्षेत्रीय जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है और हर वर्ग को हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो हाँ, ये जरूर है कि एक लंबा इंतजार कांग्रेस को प्रदेश की कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को करने को मिला है। लेकिन एक बात अशरफ, यहाँ पे ये भी है कि कांग्रेस कई बार फैसले तो ले लेती है पर कई बार वो फैसले उसे परेशानी में भी डाल देते हैं, अमूमन ऐसा ही हम देखते हैं। जिस तरह से जीतू पटवारी हैं उनके अंदर कई दिग्गज नेता होंगे, टीम में होंगे, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि समन्वय बिठा के चलना या किसी जो रणनीति बना रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं उस तहत आगे बढ़ना, क्या इतना आसान होगा, लगता है क्या? टुडे वर्किंग का जो उन्होंने बनाया है उसमें वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी गई है। जितने बड़े नेता हैं वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, अरुण यादव, इनको एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर जगह दी गई है। जनरल सेक्रेटरीज हो या वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष महासचिव, वहां पर जीतू पटवारी को काम करना और तालमेल बैठाना
मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर इनमें से बड़े जो नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, उनको अगर इसमें रख रहा तो उनके लिए, जीतू पटवारी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती कि कैसे तालमेल बिठाएं, कैसे उनसे काम लिया जाए। तो वो उन्होंने बहुत सोच समझ कर, या ये कहें कि राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत सोच समझ कर, ये भी माने, अगर ये उनके लिए परेशानी नहीं खड़ी कर सकते तो शायद वो तो परेशानी खड़ी कर सकते हैं, या उनको इनकी बात पसंद ना आए, या इनको उनकी बात पसंद ना आए, क्लैशेस तो होना तय है। अशरफ, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वो बात सही है कि आगे चल के फैसले, चूंकि इतनी बड़ी जंबो ये इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, कार्यकारिणी प्रदेश की जो बनाई है, इसमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ होता है कि अगर जरूरी नहीं कि हर आदमी जीतू पटवारी के फैसले से सहमत हो, कहीं असहमति भी, तो कहीं ना कहीं ये भी विरोध के स्वर जो है कई बार हमने सुने भी हैं, अशरफ आपने भी सुने हैं, इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, पर हाँ सामंजस्य बिठाना वो इतना आसान